कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रभाव पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। एहतियात बरतने के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो सरकार को लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। हालांकि सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन पहले भी देश और दुनिया में लगा है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो दुनिया ने महसूस किया है कि ये कोई स्थायी हल नहीं है। स्थिति अगर ज्यादा खराब हो जाती है तो लॉकडाउन लगता है। जैसे दुर्ग में कोरोना की स्थिति है 45.9 यानी करीब 46%। टेस्टिंग के ये जो आंकड़े हैं, मतलब हर 100 लोगों में से 46 लोग संक्रमित माने जा रहे हैं। वहीं दूसरा हर आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। अगर यही स्थिति रही तो लॉकडाउन पर जल्द ही विचार करना पड़ सकता है। प्रदेश में इस वक्त औसतन 2 से 3 हजार के करीब मरीज मिल रहे हैं। ज्यादातर मरीज रायपुर और दुर्ग में मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा भी की थी, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू के निर्देश कलेक्टरों को जिलों में हालात के आधार पर लगाने को कहा था। प्रदेश में कई जिलों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लगाया भी जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति सामान्य रूप से बनी, ये तो एक दिन का आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता, फिर भी दुर्ग 30% से ऊपर चल रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।